नमस्कार दोस्तों, झारखंड मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रांची समेत झारखंड के विभिन्न जिलों के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो कई जगहों पर गर्मी के तीखे तेवर भी है। अगर आप भी रांची, लोहरदगा, लातार, कोडरमा, कुंटी, जामताड़ा, हजारीबाग, गुमला, गोड्डा, गिरिडीह, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, धनबाद, देवघर, बोकारो, चतरा, सिमडेगा, खरसावां, सरायकेला, साहिबगंज, रांची, रामगढ़, पलामू, पाकुड़ समेत झारखंड में रहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप झारखंड के किस जिले, गाँव, शहर में रहते हैं। तो दोस्तों, मौसम विभाग की माने तो झारखंड में जो है ना, अनेक इलाकों पर 11 अप्रैल तक मौसम में बदलाव हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज से लेकर 11 अप्रैल के बीच में बरसात हो सकती है। कहीं कहीं पर लू चल रही, तो कई जगहों पर मध्यम दर्जे की बरसात देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले दो दिनों तक तापमान में किसी तरह का परिवर्तन नहीं आएगा और ठीक तीन दिन के बाद दोस्तों जो है ना, 4 से लेकर 5 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि आज से राज्य के उत्तरी भागों में हल्के दर्जे की बरसात होने की संभावना है। आज चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो, धनबाद में बरसात हो सकती है और अगले 24 से 48 घंटों 7 और 8 अप्रैल को राज्य में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि झारखंड में जो अगले 3 दिनों के दौरान झारखंड के दक्षिणी भागों में बरसात हो सकती है। इसमें सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला जिला जो है शामिल है। साथ में मौसम में बदलाव भी, उतार चढ़ाव जारी और झारखंड में तेज धूप के साथ अब हीट वेव का खतरा भी बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। यहां पर 40 के ऊपर भी तापमान जाते हुए नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों में गर्म हवाओं के उष्ण लहर की स्थिति बन रही है। मौसम विभाग की माने तो इसका असर कई जगहों पर देखने को मिल रहा है और 7 अप्रैल के बाद मौसम में पूरी तरह से बदलाव होगा। 8 और 9 अप्रैल के दौरान राज्य के कई जिलों में मेघ गर्जना के साथ बरसात की पूरी संभावना है। साथ में 30 से 40 किलोमीटर हवा चलने की संभावना भी अधिक से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान बढ़ने के साथ जो है लोगों को काफी गर्मी सता रही है और यहां पर बोकारो में 36.1, चतरा में 35, देवघर में 37.5, गढ़वा में 36.7, गिरिडीह में 36.1, गोड्डा में 36.3, हजारीबाग में 34.4, जामताड़ा में 25.9, खूंटी में 26.6, लोहरदगा में 25.1, लातार में 34.6 और यहां पर दोस्तों पलामू में 37.6 ऐसे तापमान जा रहा है। और पिछले 24 घंटों पर नजर डाले तो विभिन्न हिस्सों में 40 के आसपास तापमान जाने के कारण गर्मी काफी ज्यादा पड़ी है। यहां पर अधिकतम तापमान 42.9 और दोस्तों जो है ना, सबसे गर्म देखने को मिला गोड्डा में और पाकुड़ में 41.1 और जमशेदपुर में 42 के करीब रहा। इसके अलावा देवघर, मेदिनीनगर, गढ़वा और जामताड़ा में भी तापमान 40 के पार रहा। भारी भयंकर गर्मी के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं। इसके बाद अगले 3 दिनों के दौरान इसमें 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होते हुए नजर आ सकती है। साथ में दोस्तों आज बरसात होगी गढ़वा, पलामू, लातार, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज में आज बरसात होने की संभावना है और यहां पर मौसम में परिवर्तन भी होगा। कहीं कहीं पर हल्की बरसात तो कई जगहों पर मध्यम बरसात के साथ मौसम बदल सकता है और वज्रपात के साथ मेघ गर्जना और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन होने के आसार भी जताए जा रहे हैं। आप किस जिले, गांव, शहर में रहते हैं पूरे झारखंड के और आपके यहां पर मौसम में बदलाव और परिवर्तन हुआ कि नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। वही दोस्तों, भारी भयंकर गर्मी पड़ रही कि नहीं आपके यहां पर, वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताना। सर्दी के और परिवर्तन के साथ मौसम मिला जुला रहने के आसार भी जताए जा रहे हैं। साथ में कुछ जगहों पर दोस्तों मौसम ठंडा सोना तो कुछ जगहों पर उतार चढ़ाव के साथ बादल भी छाए हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि रांची में भी दोस्तों मौसम बदल रहा है, उतार चढ़ाव जारी है और मौसम ठंडा सोना रिकॉर्ड किया जा रहा है। रांची में कल रात से काफी ज्यादा जगहों पर हलचल और परिवर्तन और उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। साथ में बादलों की वजह के साथ परिवर्तन भी है। मौसम विभाग की मानो तो गिरिडीह, देवघर, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज में भी कल रात से काफी गर्म मौसम देखने को मिला। उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ परिवर्तन और मौसम मिला जुला रहने को मिला और बादलों की वजह के साथ कुछ हिस्सों में अधिक से अधिक हलचल भी होते हुए नजर आई। वही दोस्तों लोहरदगा, लातार में भी कल रात को काफी ज्यादा जगहों पर मौसम में परिवर्तन, उतार चढ़ाव देखने को मिला है। वही दोस्तों एक एक जिले की बात की जाए तो लोहरदगा में 22, 23, 24 रात के समय दिन में 36 के आसपास तापमान रहेगा। 4 दिन बादल, उतार चढ़ाव जारी। सोमवार को हल्की बूंदाबूंदी और बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में बदलाव आने के आसार है। लातार में दोस्तों 22, 23, 24 रात के समय दिन में 38, 39 के करीब तापमान रहेगा। बादल छाएंगे और गर्मी की तीखे तेवर, बादलों की वजह के साथ मौसम में हलचल और परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ पर कोडरमा में 24, 25, 26, 27 रात के समय दिन में 38 के आसपास तापमान रहेगा। बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी। मौसम मिला जुला रहने के साथ परिवर्तन रहेगा। इसी के साथ खूंटी में 24, 25, 26 रात के समय दिन में 36 के आसपास तापमान है। बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है। मौसम मिला जुला रहेगा। जामताड़ा में 26, 27, 28 रात के समय तो दिन में 40 के करीब तापमान है। बादल छाए रहेंगे, गर्मी के तीखे तेवर, मौसम मिला जुला और परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ बदलाव होने के आसार भी जताए जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों मौसम विभाग की मानते यहां पर पूरे के पूरे जो ना
हजारीबाग में 23-24 रात के समय तो दिन के समय मौसम मिला जुला रहेगा, उतार चढ़ाव जारी है। तेज हवाओं के साथ परिवर्तन मौसम मिला जुला और बादलों की वजह के साथ बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर गुमला में 23-24 रात के समय दिन में 36-37 और रविवार सोमवार को बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम बदल सकता है। मौसम मिला जुला रहेगा, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन मौसम ठंडा सोना रहने के आसार भी है और बादलों की वजह के साथ कुछ कुछ जगहों पर और भी ज्यादा हलचल और परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर दोस्तों बादल छाए रहने के आसार भी जताए जा रहे हैं। मौसम मिला जुला है, कल रात से जो है काफी बदलाव, रविवार सोमवार को यहाँ पर बूंदाबूंदी होगी। गोड्डा में 26-27 रात के समय दिन में 38 और 39 के करीब तापमान रहेगा। बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है। मौसम मिला जुला रहेगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा और बादलों की वजह के साथ और भी ज्यादा मौसम ठंडा सोना रहने के आसार जताए जा रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि गिरिडीह में 25-26-27 रात के समय दिन में 40 के आसपास तापमान है। बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ मौसम में बदलाव, मौसम मिला जुला और परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो कुछ जगहों पर और भी ज्यादा हलचल और बदलाव होते हुए नजर आएगा। गढ़वा में 24-25-26 रात के समय दिन में 38 और 40 के आसपास तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। बादल भी छाए हैं और गर्मी के तीखे तेवर के साथ मौसम में बदलाव, मौसम मिला जुला और परिवर्तन और उतार चढ़ाव जर रहने के आसार भी जताए जा रहे हैं। तो कई जगहों पर और भी ज्यादा हलचल और परिवर्तन रहते हुए नजर आएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोस्तों पूरे के पूरे पूर्वी सिंहभूम में 27-28 रात के समय तो दिन के समय जो है 41 के आसपास तापमान रहेगा। बादल भी छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी है। मौसम मिला जुला और परिवर्तन देखने को मिलेगा और बादलों की वजह के साथ बदलाव होते हुए नजर आ सकता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि दुमका में 26-27 रात के समय दिन में 40 के आसपास तापमान रहेगा। बादलों की वजह के साथ मौसम में परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है। यहाँ पर धनबाद में 26-27 रात के समय तो दिन के समय बादलों की वजह के साथ मौसम में ठंडक, मौसम मिला जुला और परिवर्तन देखने को मिलेगा और उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार भी जताए जा रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोस्तों पूरे के पूरे जो है देवघर का मौसम बदलेगा। बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन, मौसम ठंडा सोना, मौसम मिला जुला रहेगा और बादलों की वजह के साथ बदलाव हो सकता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोस्तों पूरे के पूरे जो है मौसम विभाग की मान तो बोकारो का मौसम बदल रहा है। उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ मौसम में बदलाव और मौसम मिला जुला रहेगा। चतरा में बादलों की वजह के साथ मौसम में परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोस्तों पूरे के पूरे सिमडेगा में 23-24-25 रात के समय दिन में 40 के आसपास तापमान रहेगा। बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी, मौसम मिला जुला और परिवर्तन देखने को मिलेगा। रविवार तक बूंदाबूंदी होगी। खरसाओं में रविवार को बूंदाबूंदी, बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम बदल सकता है। उतार चढ़ाव जारी है। यहां पर बताया जा रहा है कि दोस्तों पूरे सरायकेला में बादलों की वजह के साथ मौसम में परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ मौसम में बदलाव होगा। यहां पर बताया जा रहा है कि दोस्तों पूरे के पूरे साहिबगंज में 26-27 रात के समय दिन में 36-37 बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ मौसम में परिवर्तन होगा। यहां पर राजधानी रांची में 24-25-26 रात के समय तो दिन में 36-37 के करीब तापमान, बादलों की वजह के साथ मौसम में परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ मौसम में बदलाव होगा। रामगढ़ में 24-25 रात के समय तो दिन के समय 38 के आसपास तापमान रहेगा। बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, मौसम मिला जुला और परिवर्तन देखने को मिल सकता है और बादलों की वजह के साथ बदलाव होने के आसार है। यहाँ पर पालामू की बात करें तो 23-24 रात के समय दिन में 37-38 के करीब तापमान है। बादलों की वजह के साथ मौसम में परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। पाकुड़ में 27-28 रात के समय दिन में 40 के आसपास तापमान रहेगा। बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी और झारखंड के विभिन्न हिस्सों में दोस्तों आने वाले दिनों में बरसात की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, यानी लू के बीच दोस्तों बरसात होने के आसार भी काफी अधिक है। आप किस जिले, गांव या शहर में रहते हैं पूरे झारखंड के और आपके यहां पर मौसम में बदलाव और परिवर्तन हुआ कि नहीं और मौसम मिला जुला रिकॉर्ड किया कि नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।